आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, चंगे होगे। आज ना मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। दो दिन से मैंने कोई वीडियो ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और धूप तो इतनी ज़्यादा निकल रही है कि मत पूछिए गाइस। मतलब मुझे ना सब कुछ ठीक लगता है लेकिन गर्मी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी लग रही थी, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी। आज मौसम ठंडा है तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग शूट कर लिया जाए। और अभी मेरे हस्बैंड की फरमाइश है पकौड़े बनाने की, प्याज के, तो वो मैं जा रही हूँ बनाने के लिए क्योंकि आज थोड़ी सी बारिश हुई थी तो मौसम ठंडा हो गया है। और मेरे यहाँ ना गाइस ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाई भी जाती है। मैं और मेरे हस्बैंड तो थोड़ा कम भी खाते हैं लेकिन अगर मेरे सास ससुर की बात करी जाए तो मम्मी पापा दोनों लोग बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं। मतलब मम्मी कम खाती हैं, पापा ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से मम्मी भी खाने लगी हैं। तो अगर वो आ जाते हैं मेरे यहाँ तो ये मान के चलिए कि अगर वो 8 दिन रहे या 5 दिन, तीनों टाइम कुछ ना कुछ ऑयली चीज़ें बनती ही बनती है। पकौड़ियाँ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मेरे हस्बैंड को भी आदत पड़ गई है ऑयली खाने का। और खाने की जिसको आदत हो जाए तो वो कम ही होता है कि वो माने। तो इनका तो ये है कि मेरे यहाँ बहुत कम खाते हैं, अब तो बहुत कम कर दिया इन्होंने। ये भी पहले बहुत ज़्यादा खाते थे पर धीरे 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 मैंने कम कर दिया, लेकिन फिर भी बनता है। मेरे यहाँ हफ्ते में 2 से 3 दिन तो तल के चीज़ें बन ही जाती हैं और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बनाना ही पड़ता है, मजबूरी होती है। क्योंकि अगर आपके घर में सबको पसंद है तो आप पसंद के अनुसार ही चलते हो, तो यही है। तो अभी मैं पकौड़े बनाऊंगी। मेरे जो ससुर है ना उनको अगर आप तीनों टाइम तल के दो, यानी कि अगर पूड़ी कचौड़ी कोई भी चीज़ तीनों टाइम आप देते हो तो तीनों टाइम वो खाते हैं। और उनको नुकसान भी करता है लेकिन वो फिर भी नहीं मानते हैं। कितनी बार हम लोगों ने समझाया कि पापा मत खाया करो नुकसान करता है, लेकिन उनको वही चीज़ें पसंद है तो हम लोग भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस इसीलिए मेरे यहाँ ज़्यादा ऑयली बनता है। और अभी मेरे यहाँ मैंने गर्मी में अभी ज़्यादा नहीं बनाया, इस पूरी गर्मी में मैं बता रही हूँ 2 से 4 बार ही कोई चीज़ तल के बनाई है, नहीं तो नहीं बनाया है। एक तो गर्मी के में आप अगर बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हो तो बहुत नुकसान करता है, तो इसलिए नहीं बनाया। आज मेरे हस्बैंड ने बोला पकौड़े बना दो तो मैंने भी सोचा यार आज तो बना देते हैं क्योंकि उनका मन है खाने का। तो वही मैं जा रही हूँ पकौड़े बनाऊंगी। और देखो चटनी कौन सी कहते हैं, वैसे वो टोमेटो सॉस के साथ खा लेते हैं। अभी जाके पूछूंगी क्या खाएंगे, अभी बाहर बैठे हुए हैं, आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ मैं भूल गई कि मैंने ना कल नेल पॉलिश लगाई थी ये वाली, आप लोगों को बताया मैं बहुत ही कम रेड कलर लगाती हूँ। रेड कलर बहुत ही कम होता है कि मैं अपने हाथों या पैरों पे लगाऊं, मैं लाइट कलर की नेल पॉलिश ज़्यादा लगाती हूँ और मुझे लाइट कलर ही पसंद है। पहले तो ऐसा हुआ करता था कि अगर मैं रेड कलर लगा लूँ, शादी के पहले की बात है, तो पहले से रिमूव करती थी फिर बाहर जाती थी। बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा मैं पहले नेल पॉलिश वगैरह की शौकीन हुआ करती थी क्योंकि मेरे जो नेल है ना वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे, बहुत काम कम पड़ता था, पढ़ाई लिखाई करती थी, बाहर जाती थी तो इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है। अब तो घर गृहस्थी संभालना है, बच्चे देखने हैं, सारी चीज़ें हैं तो इतने बड़े बड़े नेल नहीं रह पाते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा शौकीन थी। मुझे बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश के कलेक्शन रखने में, कोई अगर मेरे घर पे आता तो ड्रेसिंग भी देखता खूब सारी नेल पॉलिश है, तो इतनी नेल पॉलिश है, मुझे इतना ज़्यादा शौक था पहले। अब नहीं है, खैर अब तो बहुत कम हो गया। अब तो नेल पॉलिश कभी कभार ही है कि मैं अपने हाथों पे लगा लेती हूँ, नहीं तो बहुत ही कम, पैरों में लगा लेती हूँ लेकिन हाथों पे बहुत कम, क्योंकि काम करना होता है वो तुरंत निकल जाती है, चाहे जितनी अच्छी आप नेल पॉलिश लो किनारे किनारे से वो निकली जाती है, तो बहुत कम लगाती हूँ। और मैं ना बहुत ज़्यादा वकर बकर भी करती हूँ क्योंकि काफ़ी देर से आप लोगों को कुछ ना कुछ बताती जा रही हूँ। तो चलिए अभी चल रही हूँ किचन में, कब से कह रही हूँ जा रही हूँ किचन में लेकिन जा नहीं रही हूँ, तो चलिए किचन में जाती हूँ और बनाती हूँ पकौड़े और देखती हूँ इस ब्लॉग को और आगे बढ़ाती हूँ या नहीं। अगर नहीं बढ़ाऊँगी तो पकौड़े बना के एंड कर दूँगी, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी कर ली है। मैंने बेसन में प्याज कट करके डाला है, हरे मिर्च डाले हैं और साथ में गरम मसाला, हल्का सा हल्दी पाउडर और नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला इसमें। और ऑयल भी मैंने गरम करने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है, तो यहाँ जो मेरा ऑयल है वो गर्म हो चुका है और यहाँ मैं अपने जो पकौड़े हैं वो डाल रही हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं जब भी कोई चीज़ तलती हूँ तो जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई चीज़ आप तलते हो और ऑयल जो बच जाता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा ऑयल कढ़ाई में नहीं लेती हूँ।
तो गाइज अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैं ज़्यादातर खाना लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ और तलने का जो काम है वो तो ज़्यादातर मैं लोहे की ही कढ़ाई में करती हूँ। मुझे इसमें बनाना सही लगता है इस वजह से। और मैंने सुना है कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से आपके सेहत के लिए लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना फ़ायदेमंद होता है, इस वजह से और इसमें बनाती हूँ। अब मैं इन पकौड़ों को पलट देती हूँ क्योंकि ये पलटने लायक हो गए हैं और इसे काफ़ी अच्छा ब्राउन होने दूंगी मैं, तब इसको मैं निकालूंगी। क्योंकि जब आपके पकौड़े क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं तो वो खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अगर वो मुलायम होते हैं तो उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते हैं। तो इनको मैं अच्छे से तलूँगी और उसके बाद इसे निकालूंगी। तो यहाँ मेरे जो पकौड़े हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें मैं अब निकाल रही हूँ प्लेट में और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी है जो कि खोल चुकी है। तो साथ साथ मैं काम कर लेती हूँ, जैसा कि मैंने आप लोग को अपने ब्लॉग में बताया भी है। तो मेरे जो पकौड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं और चाय भी मेरी जो है वो खोल चुकी है। तो अब मैं कर लेती हूँ पकौड़ों को सर्व, और मैं पकौड़ों को सॉस के साथ ही खाने वाली हूँ और हस्बैंड को भी देने वाली हूँ क्योंकि उन्होंने चटनी मना कर दी थी, तो चटनी नहीं बनाई मैंने। तो आज का ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी के लिए टाटा एंड बाय बाय।